हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सद्योवरण, जिसको हम मॉडर्न में वुंड से कोरिलेट करते हैं। इससे पहले जो हमने अपना व्रण टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो जैसे दुष्ट व्रण आया था, वो सब उनको हम कोरिलेट करते हैं अल्सर से। तो ये अलग जो है वो 15 मार्क्स के लिए आ जाता है कि सद्योवरण या फिर आगंतुज व्रण के नाम से आ सकता है, तो उसको हम वुंड से कोरिलेट करते हैं। तो अगर ये 15 मार्क्स के लिए आता है, तो हम जो आयुर्वेद में बताया गया सद्योवरण प्लस में मॉडर्न में जो वुंड है उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सद्योवरण। सद्योवरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसके निदान। निदान क्या होता है? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं भाला होता है, जो मतलब शस्त्र होते हैं ना, जो धार वाले शस्त्र हैं या फिर तीक्ष्ण मुख वाले जो शस्त्र हैं, पतन, पीड़न, आघात या पत्थर आदि के आघात के कारण जो व्रण बनता है, जो घाव बनता है, उसको सद्योवरण बोला है। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने मतलब आचार्य चरक ने क्या बोला है, रस्सी आदि के बांधने पर मारपीट की वजह से, विषयुक्त मतलब विष की वजह से या फिर प्राणियों के दंश की वजह से, ऊंचे स्थान से गिरने की वजह से, नख आदि के आघात से, शार दग्ध, अग्नि दग्ध या शस्त्र से काटने पर जो भी व्रण बनते हैं वो हमारे सद्योव्रण है, यानी ये सद्योव्रण के निदान होंगे। फिर हम पढ़ते हैं इसके भेद। आचार्य सुश्रुत इसके भेद मानते हैं 6, छिन्नम भिन्नम तथा विद्धम शतम पिच्चितम एव च घृष्टम आहु तथा षष्टम, यानी छठा यानी 6 जो हो गई ये हमारे सद्योवरण हो गए। तेषाम ये याद करना एसेंशियल नहीं है, इसका कहने का इनका कहने का मतलब है यहाँ पे कि अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ। तो सुश्रुत चिकित्सा में जब ये बताया गया तो ये बोला कि अब उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ तक जरूर याद रखना है कि छिन्न होता है भिन्न, छिन्न भिन्न विद्ध शत पिचित और घृष्ट होता है। ठीक है। तो ये हो गए 6। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वो विच्छिन्न भिन्न विद्ध पातित घृष्ट अवकृत प्रवलंबित और विदलित, ये जो 3 है ये अलग है, मतलब बिल्कुल ही नाम जैसे घृष्ट इन्होंने भी बोला है तो इन्होंने भी बोला है। छिन्न का नाम यहाँ पे विच्छिन्न हो गया, भिन्न है, विद्ध वही बोला है, ये 2 नहीं माने, शत और पिचित पातित तो बोला है इन्होंने। ठीक है। तो अष्टांग जो हृदय उसके अकॉर्डिंग जो है वो 8 वेद होता है। और हारित संहिता में जो आगंतुज व्रण है, जो सद्योवरण है, आगंतुज व्रण के उन्होंने 4 भेद बोले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी आकृति। आकृति जैसे हमने जब वो व्रण वाली अपनी जो वीडियो पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि व्रण की आकृति जो है वो उसमें पढ़ा था कि जो आगंतुज व्रण है उसकी आकृति 9 प्रकार की होती है, जैसे कि चतुरस्त्र, आप वहां से भी देख सकते हो। वैसे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि 9 प्रकार की आकृति बोली थी कि चतुरस्त्र होते हैं, त्रयस्त्र मतलब 3 कोण वाले, मंडली मतलब बिल्कुल गोल होंगे, आयत होते हैं या फिर विशाल कुटिल होंगे, श्राव जैसे होंगे, अर्धचंद्राकार होंगे या फिर यव के जैसे होंगे। ठीक है। तो ये जितने भी आकृतियां ये आगंतुज व्रण की होती है। फिर अब हम इनके पढ़ते हैं अलग अलग लक्षण। ठीक है। पहला चिन्ह है जो, उसमें क्या होता है कि जो चौड़ी आकृति वाले होते हैं, यानी जो बड़े शस्त्र होते हैं ना हमारे शस्त्र, जो बड़ी आकृति वाले मतलब चौड़ी आकृति के हों, और जो सीधे हों या फिर रिजु हों, मतलब सीधे सॉरी एक ही हो गया, सीधे हैं या फिर तिरछे हों, तिर्यक हों, जो ऐसे शस्त्र के प्रहार से जब हम शस्त्र से उससे प्रहार करते हैं तो वो जो अंग है या तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, छिन्न हो रहा है। छिन्न मतलब वो जिस भी अंग पे वो लगेंगे वो अंग बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएगा, या फिर बिल्कुल ज्यादा प्रहार कर देंगे तो वो लटकने लग जाएगा। ठीक है। बॉडी से लटकेगा, वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा छिन्न में। ठीक है। बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, दैट इज छिन्न। फिर आता है भिन्न। भिन्न के लिए बोला गया कि जो भाला आदि होते हैं, जो आगे से तीक्ष्ण है, तलवार है जैसे भाला हो गया, या फिर शक्ति जो ये शस्त्र है, ये सब इनके अग्रभाग से या जो सींग है उनके प्रहार आदि से क्या होगा, आश्रय में श्राव वाले जो व्रण होंगे, यानी उनमें से हमेशा श्राव आता रहेगा, वो होते हैं हमारे भिन्न व्रण। ठीक है। हमारे जो जैसे आश्रय बोले गए या आमाशय होता है, अग्नाशय, तो इनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग लक्षण आएंगे। जैसे नॉर्मल बोला है कि अगर भिन्न व्रण हो जाए, यानी शस्त्र के प्रहार से अगर भिन्न व्रण हो गया आश्रय में, तो क्या लक्षण मिलेंगे, जैसे पहले तो उस आश्रय में रक्त भर जाएगा, ज्वर और दाह होगा,
मूत्र मार्ग या फिर जो गुदा है या नासिका है इनमें से स्राव होने लगेगा, ठीक है, मूर्छा होगी पेशेंट को, श्वास तृष्णा आदमान अन्न से अरुचि होगी और मल मूत्र वात आदि रुक जाएंगे, पसीना आने लगेगा पेशेंट को, नेत्र में से रक्त श्राव होगा, मुख से लोह की गंध आएगी, ठीक है। फिर अगर अकॉर्डिंग टू अलग अलग आशय, जैसे अमाशय में रक्त एकत्रित हो गया तो रक्त का वमन होगा, आधमान बहुत ज्यादा होगा पेशेंट को, उदर शूल होगा। अगर पक्वाशय में वो रक्त हो गया इकट्ठा तो पीड़ा होगी, भारीपन होगा, नाभि प्रदेश के नीचे की तरफ शीतलता होगी, ठीक है, और श्रोतों में से रक्त का श्राव होगा। तो ऐसे हो गया भिन्न व्रण। फिर आता है विद। विध क्या होता है? विध हमारा एक पंचर उंड, आप समझ लो मॉडर्न में जैसे बोलता है पंचर उंड, यानी पंचर हो जाना, जैसे जो छोटे मुख वाले होते हैं ना, जिनका मुख पूरा पिन पॉइंटेड टाइप का है जैसे, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, उन शस्त्रों के प्रहार से जो वो आश्यप अगर हम प्रहार करते हैं उन शस्त्र से, तो अन्य अंग को ऊपर उठा देगा, मतलब शल्य रहित वो जो व्रण होता है वो हमारा विध होगा, पंचर कर देगा उसको, ठीक है। फिर आता है शत। शत के लिए जारे सुश्रुत ने बोला है कि ना तो ये छिन्न होता है ना भिन्न होता है, मतलब छिन्न में क्या हो रहा था, वो पार्ट पूरा बॉडी से अलग हो रहा था, भिन्न में क्या है, उसमें तीक्ष्ण जो वो तीक्ष्ण जैसे तलवार या भाला आदि से जो किया जाता था वो भिन्न है, ये अलग नहीं होता बॉडी से, सिर्फ इसलिए अलवाला अलग हो जाता। तो शत के लिए बोला है ना तो ये छिन्न है, मतलब जो दो टुकड़ों में भी विभाजित नहीं हो रहा और ज्यादा फट भी नहीं रहा, उस व्रण को जो है वो शत बोलते हैं, मतलब ऊंचा नीचा जो व्रण होता है ना, मतलब मार्जिन जो है वो उसके इक्वल ना हो, दैट इज शत। इसको जो है वो लेसिरेटेड वुंड से हम कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में। फिर आता है पिच्छित। नाम से ही पता चल रहा है इसका, पिच्छित का मतलब होता है दब जाना, जैसे लाठी आदि से जो ब्लंट जो चीजें हैं, ब्लंट जो भी हम शस्त्र यूज करें, जैसे लाठी हो गया या फिर किसी और अन्य चीज से दब जाने के कारण जो है वो अंग बिल्कुल कुचला सा जाता है, मतलब पृथ्वी यानी चपटा सा हो जाता है, दैट इज पिच्छित। और उसमें अंदर जो है वो मज्जा और रक्त का श्राव हो जाता है, अंदर मज्जा और रक्त बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, जैसा हमारा कॉन्ड्यूस्ड जो वुंड होता है यानी इंटरनल ब्लीडिंग होगी उसमें, लेकिन बाहर से ऐसे टीयर नहीं हुई स्किन, वो होता है हमारा पिच्छित। फिर आता है घृष्ट। घृष्ट भी नाम से पता चल रहा है, घृष्ट क्या हो जाता है, एब्रेशन बन जाते हैं, मतलब रगड़ या फिर अन्य अंग जो जब त्वचा रहित हो जाता है, रगड़ किसी चीज पे, सपोज कोई एरिया बहुत इरेगुलर सा और उस पे आपकी स्किन रगड़ जाती है, ठीक है, तो वो घृष्ट हो गया। इससे क्या होगा, वो अंग जो है वो त्वचा रहित हो जाता है, ऊपर की जो स्किन है वो उतर जाती है, तो वो दहा बहुत ज्यादा होती है उसमें से और श्राव बहुत ज्यादा होता है, ये होता है हमारा घृष्ट व्रण, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद जैसे निदान लिख, भेद आकृति और लक्षण। फिर आते हैं हम सद्यो व्रण की चिकित्सा पे। चिकित्सा में क्या आता है, जो पहले चार होते हैं यानी छिन्न है, भिन्न, विद और शत, ये जो पहले चार जो ये व्रण होते हैं इनमें रक्त श्राव बहुत हो जाता है, रक्त श्राव ज्यादा होने की वजह से वायु प्रकोपित हो जाती है, ठीक है, इसमें वायु प्रकोपित हो जाती है, तो इसलिए हमने जो वातनाशक कर्म है, जैसे स्नेह पान कराना है पेशेंट को, उपनहा देना है, कोष्ण स्नेह इसका सेक देना है, स्वेदन कराना है, स्निग्ध ही लेप लगाने है, और वातनाशक औषधियों से सिद्ध वस्ति देनी है पेशेंट को, ठीक है। फिर आता है जो पिच्छित और घृष्ट है, पिच्छित या पिच्छित जो है और घृष्ट है, इसमें क्या होता है, रक्त का श्राव अधिक नहीं होता, मतलब लेकिन इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दहा, उष्णता, पाक, ये ज्यादा लक्षण होते हैं, यानी पित्त जो है वो लक्षण ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए शीतल परिषेक या शीतल आलेप वगैरह लगाते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम अगली कंडीशन होती है कि अगर कोई आगंतुक व्रण है तो इसमें तो शल्य हो ही सकता है, तो बोला अगर शल्य है, ठीक है, अगर उसको उस व्रण में शल्य है तो शल्य आदि को निकालने के बाद स्नेह वर्ती रख देनी है वहां पे, और मधु और घृत का प्रयोग करना है संधान के लिए, ताकि वो जो एरिया है वो संधान होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर आता है अगर सूक्ष्म मुख वाला व्रण बन गया है, जैसे कि हमने बताया
विद में हो जाता है, सूक्ष्म मुख वाला बनता है, तो वहां से रक्त का निहरण करके पहले जो ब्लड अंदर इकट्ठा हुआ है उसको निकाल के यंत्र के द्वारा चक्र तेल से तर्पण करने को बोला है। फिर शतज व्रण के लिए बोला है अलग से कि शौद्र और घृत या तेल का अभ्यंग कर सकते हैं, ठीक है। पिचित के लिए बोला है जो भग्न में हम चिकित्सा करते हैं, मतलब जैसे भग्न में ट्रीटमेंट किया जाता है ना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो रही है कोई चीज, हमारे शरीर का पार्ट दब रहा है तो यानी अस्थि वगैरह टूटने का भी उसको होता है, तो भग्न की जो चिकित्सा वो करनी है पिचित में। शत के लिए शौद्र घृत और तेल का प्रयोग बोला है, और घृष्ट में तो स्किन उतर गई है उसकी, ठीक है। तो क्या करना है, हमने जो वेदना हर द्रव्य है ना वो पेशेंट को देने, जैसे शाल अर्जुन सर्जरस इनका चूर्ण करना है, पित्तज विद्रदी के समान चिकित्सा करनी है। अब फिर ये व्रण है तो व्रण के रोपण के लिए क्या करते हैं, चंदन आदि तेल का प्रयोग करना है, जात्य आदि तेल का, तालिश आदि तेल का, मंजिष्ठा आदि तेल का। और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या बोला गया सद्य व्रण का, कषाया मधुरा शीता, ये श्लोक है मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कषाया मधुरा शीता क्रिया स्निग्धाश्च योजित सद्य व्रणानाम सप्ताह पश्चात पूर्वम आचरित। सॉरी, बोले कि जो सद्य व्रण है उसमें एक सप्ताह तक कषाय मधुर शीतल क्रियाएं करनी है, स्निग्ध क्रियाएं करनी है। उसके बाद अगर आपको इनसे फायदा नहीं हो रहा है, या फिर एक हफ्ते पश्चात जो है वो सद्य व्रण में क्या करनी है, पूर्व उक्तम आचरित। पूर्व उक्तम यानी जो पहले बता दी गई है, पहले क्या बता दी गई है, जैसे जो दुष्ट व्रण में या जो व्रण की नॉर्मल ट्रीटमेंट थी वही हमने सद्य व्रण में करनी है, ठीक है। और आचार्य वागवट भी बोलते हैं कि इसमें परिषेक करना है, लेप करना है, संधान, यानी ये सात प्रकार की चिकित्साएं बता देते हैं आचार्य वागवट, जैसे परिषेक, लेप, संधान, वमन, विरेचन, लंघन और रक्त मोक्षण। तो ये हमारा हो गया टॉपिक सद्य व्रण का। थैंक यू।